सर, सबसे पहले मैं सरकार को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, बधाई हो। सर, ये सरकार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ जा रही है और गिनीज बुक में इसका नाम सुनहरे हरफों में लिखना चाहिए सर, कि पिछले 8 दिनों में 7 बार तेल के दाम बढ़ाए गए। लेकिन जो चीज ध्यान देने की जरूरत है कि इंटरनेशनल प्राइस अभी देखा जाए तो इन्हीं 8 दिनों में $119 से लेकर के $108 कम हो गए और इधर इधर दाम बढ़ गए। इसका जवाब कौन देगा सर? हम देख रहे हैं कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के बहाने एक पब्लिक के खुली लूट हो रही है सर। अभी कह रहे थे हमारे माननीय एमपी साहब कि 50-50 मील तक अगर खबर हो जाती है कि भाई बच्चा सोता ही नहीं तो खबर कर दो, तो ये तो गब्बर का नाम दे रहे थे सर। क्या हम तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? ये तारीफ कर रहे हैं कि अपने ही सरकार को गिरा रहे हैं कि गब्बर के जैसा तो लुटेरा कोई नहीं मिलेगा, छोले में सबसे बड़ा लुटेरा पूरे हिंदुस्तान में गब्बर का नाम है। ये गब्बर किसको कह रहे थे? ये तो अपने आप के समझने की बात है सर। आज इनकी खबर नहीं है, ये जाएंगे वापस, ये खबर नहीं है। खैर, मैं अपनी बात कहता हूं सर कि अभी 5 स्टेट का इलेक्शन कंप्लीट हुआ सर। 5 स्टेट में अलग अलग 4 स्टेट में इनकी सरकार आई, इनके जो सीएम है उनको तख्त पर बैठा दिया गया। मैं पब्लिक ने इनको बहुत बड़ा तोहफा दिया, लेकिन इन्होंने पब्लिक को रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया? हर रोज एलपीजी, सीएनजी, डीजल, पेट्रोल रोज रोज का दाम बढ़ रहा है। तो मेरा कहना है सर, इनका तो यही डायलॉग हुआ फिर, तुम हमें वोट दो मैं तुम्हें तेल के दाम बढ़ा के दिखाऊंगा। तो सर, इसके लिए मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता हूं, लेकिन ये पॉइंट एक नोट करने की जरूरत है कि तेल से दाम से जो महंगाई बढ़ रही है उसके लिए आम पब्लिक बहुत ही दुखी है। मैं इसी हाउस में एक सोलेम प्रॉमिस वित्त मंत्री ने किया था कि जीएसटी कंपनसेशन सारे स्टेट को दिया जाएगा, तो स्टेट के जीएसटी के लिए जितना अभी बाकी है, अभी हम देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल को 2021-22 में 4,292 करोड़ अभी बाकी है। ये प्लीज मेरा निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी ये दे दे। और ये आंकड़े मैं ऐसे नहीं लेके आया हूँ सर, ये हमारे वित्त मंत्री एक जवाब में, क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने अपने आंकड़े दिए हैं, उन्हीं के आंकड़े उनको दिखा रहा हूं कि भाई इसमें 4,292 करोड़ जो है वो स्टेट को दे दे, उसके डेवलपमेंट के काम में आएंगे, नहीं अटकाए। सर, कुछ दिनों से ऑपोजिशन और हमारे टीएमसी के ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के एमपी डिमांड कर रहे हैं कि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं और महंगाई है एसेंशियल कमोडिटीज की भी, उसके लिए एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन किया जाए। आज भी हमारे साथ एमपी ने 267 पर नोटिस दिया, कोई भी अलाउ नहीं हुआ सर। विषय पर बोलिए, विषय पर कोई भी अलाउ नहीं है, लेकिन चेयरमैन ने कहा कि ये विषय भी आप जब फाइनेंस बिल पर डिस्कशन होगा उस पर आप उठाइएगा, तो मैं उसी के लिए उठा रहा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं। बोला था सर, मैं जो बोलना था वो बोलिए। तो मैं सर कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन हमारी पार्टी तृणमूल घास फूल की पार्टी है, ग्रास रूट की पार्टी है, इसलिए मैं ग्रास रूट में जो पीड़ा उठ रही है इस महंगाई के कारण, वही मैं सरकार के सामने आकर्षित करा रहा हूं सर। और मैं इतना ही कहकर के अपनी बात खत्म करूंगा कि सर, बहुत सारे जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसके दाम बढ़ गए हैं, जैसे ग्राम दाल अगर देखा जाए सर, 65 रुपये से 75 रुपये हो गए, मूंग दाल 86 रुपये से 103 रुपये हो गए, मसूर दाल 64 रुपये से 91 रुपये हो गए, और जो ऑयल है मस्टर्ड ऑयल 111 से 176 रुपया हो गया, वनस्पति है 82 रुपये से 134 रुपया हो गया, सोया ऑयल सर 94 रुपये से 150 हो गया, पाम ऑयल 79 रुपये से 130 रुपया हो गया। तो यही मेरा फिर सवाल है सर कि जब सब चीज के दाम बढ़ रहे हैं, किसका महंगाई से जो पब्लिक मार खा रही है, ये कहां जाए, ये अपनी पीड़ा लेके किसके सामने रोए? सर, मैं पिछले जवाब में कि किरासन के दाम बढ़ रहे थे, वित्त मंत्री ने कहा था कि किरासन को हम लोग फेज आउट करेंगे। अब गरीब आदमी का फ्यूल है किरासन, अगर उसको फेज आउट करेंगे तो क्या चीज से फेज आउट करेंगे? एलपीजी, सीएनजी, इसके भी तो दाम बढ़ रहे हैं, तो इसके भी दाम बढ़ रहे हैं और किरासन के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो ये जाएंगे कहां? सर, मैं आखिर में बस आपका वक्त और नहीं लूंगा, एक बात कह के बस अपनी एक खत्म कर दूंगा। आप अगर रिक्वेस्ट करें तो मैं एक शेर सुनाता हूं
कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे थक गए हैं लोग महंगाई के मारे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिस्टर विनोद विश्वम।